लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं अभी तक हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। इसी बीच आज मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अंबाला पहुंचे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अंबाला दौरे पर पहुंचे। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहाँ रोड शो किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला में एक रोड शो किया। इस दौरान जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। हमें यहाँ से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर भेजनी है। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में प्रार्थना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी आज पहली बार पंचकुला के नाडा साहिब गुरुद्वारा में माथा टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा में अरदास किया। बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना खर्च बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं। चिरायु योजना जोड़ के हर योजना का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे लिए और हमारे अंबाला के लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद महोदय रत्नलाल कटारिया जी की परम पत्नी बंतो कटारिया जी, आप सबका आशीर्वाद वो लेने के लिए आई है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी वो कमलोर झंडे से आज चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करूंगा कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मेरी आप लोगों से अपील है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में इस प्रकार से चिंता करके दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया।